दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आज रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो चुका है, वो तो उसके कुछ क्वेश्चन मिले जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और इसका मैंने पीडीएफ ये जो कन्वर्ट किया है, इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे आपको टेलीग्राम पर इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना के सीएम कौन है। तो देखिए तेलंगाना का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, इस तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आया था, नौसादर का फार्मूला क्या होता है। तो नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl, इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला था कि वायुयान जो होता है किस मंडल में उड़ता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अगला है आयुष्मान भारत मिशन के CEO कौन है। तो ये हो जाएंगे इंदु भूषण। तो CEO की पूरी लिस्ट में के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है, जिसको आपको देखना है और उस वीडियो को देख के आप अपने सारे CEO तैयार कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। ये मैंने ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया है, थोड़ा डाउट हो गया था, तो आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो हड्डियों से रिलेटेड रोग होता है। अगला, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो घास में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। ऐसे जो दोस्तों कौन कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा बुध और शुक्र। ओके, अगला है चीन की खोज किसने की थी। तो चीन की जो खोज की थी वो की थी मार्को पोलो ने। ओके, नेक्स्ट है माओरी जनजाति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो कहाँ पाई जाती है मायोरी जनजाति, तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ओके, तो दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना के सीएम कौन है। तो देखिए तेलंगाना का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, इस तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आया था, नौसादर का फार्मूला क्या होता है। तो नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl, इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला था कि वायुयान जो होता है किस मंडल में उड़ता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अगला, आयुष्मान भारत मिशन के CEO कौन है। तो ये हो जाएंगे इंदु भूषण। तो CEO की पूरी लिस्ट में के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है, जिसको आपको देखना है और उस वीडियो को देख के आप अपने सारे CEO तैयार कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। ये मैंने ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया है, थोड़ा डाउट हो गया था, तो आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो हड्डियों से रिलेटेड रोग होता है। अगला, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो घास में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।